बीजेपी का नारा अब की पार 400 पार, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चर्चा करने के लिए न्यूज 18 साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के चार मंत्री मौजूद हैं। चारों मंत्री से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विजय सारसा से, हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में भी रहते हैं सर, 29 सीट क्या लगता है इस वक्त, क्या आकलन? देखिए, एक सीट हम लोग पिछली बार पिछड़ गए थे और आज फिर हम दावा कर रहे कि वो कमलनाथ जी के बेटे की सीट वो भी हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश की पूरी 29 की 29 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 कमल हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से हम समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए मोदी जी को। कमलनाथ जी तो दावा कर रहे हैं इस बार कि 10 से 12 सीट आने वाली है। देखिए, कमलनाथ जी का वादा और दावा दोनों फुस्स हो चुके हैं। बहुत से वादे उन्होंने किए थे पहले जनता से, 2-2 लाख देंगे और न जाने क्या क्या देंगे, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। इसलिए कमलनाथ के वादे और दावों में अब कोई दम नहीं रहा, अब तो केवल दम है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा में दम है। क्लस्टर अभियान कैसे शुरुआत होने जा रही है, इसमें खुद शामिल हो रहे हैं प्रदेश देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी? यह मालवा निमाड़ के क्लस्टर की बैठक है और मुझे आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह व जोश है, यह क्षेत्र इस बार ऐतिहासिक जीत का परचम लहराएगा और निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के माध्यम से 29 में से 29 सीटें जीत करके हम मोदी जी के संकल्प को पूर्ण करने में आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय जी भी इस बार चुनावी मैदान में है? देखिए, अच्छा है, अंतिम समय में लड़के शहीद होंगे, उम्र भी अभी काफी उनकी हो चुकी है, तो जाते जाते जब दिया जलता है तो बहुत भभकता है। कांतिलाल भूरिया, क्या लगता है बीजेपी के लिए, क्योंकि आपकी ही जो पत्नी इस बार वो भी चुनावी मैदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता के दम पे मैं ये कह सकता हूँ कि कांतिलाल और कांतिलाल का कोई और भी हो चुनाव मैदान में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर ठान ले तो कांतिलाल बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये अब 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसको आप देख लेना कि झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अगर आदिवासी सीटों को लेकर बात की जाए तो इस बार बीजेपी को क्या लगता है? देखिए, आपने देखा होगा पिछली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उसके बाद भी आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी सारी की सारे जीती है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और नरेंद्र मोदी जी का देश में नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी जी से जिस प्रकार मोदी जी ने जो आदिवासी भाई बहनों के लिए काम किया, प्रधानमंत्री आवास हो चाहे आयुष्मान हो चाहे उज्ज्वला, ऐसे अनेक योजना जो काम किया जो सीधा जनता को उसका लाभ मिला है और जनता समझती है। और हम तो हमारे जो आदर्श राम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उससे आदिवासी भाइयों बहनों में बहुत उत्साह है और हमने तय किया है कि इस बार जो भगवान श्री राम के चरणों में हमारी मतदान के रूप में हम देने वाले हैं। कितना एनर्जी मिलने वाला आज की बैठक के बाद में कार्यकर्ताओं को? देखिए, हमें खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारी इस क्लस्टर की बैठक में हमें संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा देने के लिए और आ रहे हैं और नीचे तक हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पे बिल्कुल लग गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही ऐसा संगठन है जो हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए और आज जो चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, निश्चित तौर से हम मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीत करके आएंगे निश्चित तौर। 29 जो सीटें हैं बीजेपी जीतने का दावा कर रही है और ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश के चार मंत्री जिन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत में अपनी खुल के रखी बात। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।